Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our third chapter. तो जैसे कि second chapter तक मैंने आपको explain किया कि किस तरीके से sociology में terms, concepts बहुत ज़्यादा important है, right? इसीलिए आज हम एक बहुत important concept लेकर आए हैं, that is social institutions. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो beliefs हैं, जो culture है, जो value system है, ये मिलकर एक social institution build करते हैं and आज हमें उसी social institution से deal करना है. तो आइए start करते हैं. So I welcome you all here. Today we are starting our third chapter, that is social institutions, and this is me Madhu Joshi. So जैसे कि मैंने आपको second chapter तक explain किया कि किस तरीके से concepts और terms हमारे sociology में बहुत important है, right? Then हमने बात की कि functionalist perspective और conflict perspective. Functionalist perspective हमेशा functions की बात करता है और conflict perspective हमेशा किस चीज की बात करता है? Inequalities की, conflict की, right? अब हमें basic पता चल गया कि इन दोनों perspectives को कैसे हमें deal करना है, right? अब देखिए, अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने होंगे. तो आंसर राइटिंग के लिए मैं बता दूं कि हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स कवर करने होंगे, राइट? तो बेसिक्स के लिए हम एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही हम आंसर राइटिंग देखेंगे किस तरीके से हमें करना है, ठीक है? अभी के लिए आपके पास जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको टर्म्स देखनी है, टर्म्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं, या जो कंसेप्ट है आपके सामने वो देखना है, उसका मतलब समझना है और उसको थिंकर से रिलेट करना है कि वो टर्म कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, उसका क्या मतलब है, किस कंटेक्स्ट में बोला है, राइट? ये सब चीजें करने के बाद आपको एक बिल्कुल बेसिक आइडिया हो जाएगा और आप जब आंसर लिखोगे तब आपके पास बहुत यूजफुल कंटेंट होगा, ठीक है? तो अभी के लिए यही होमवर्क है, ओके? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस तो हमारे कुछ नया नहीं है, राइट? हमने सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की है पहले भी. हमारे पास 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं. तो क्या है वो, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? सो वेल, हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ये सभी को पता है. अब सोसाइटी के अंदर कुछ बिलीव्स भी हैं. बिलीव्स क्या होते हैं कि हमें जो मानकर चलते हैं, जो हम रिलीजियस बिलीव्स मानकर चलते हैं, हमें किसी चीज़ पे विश्वास है, राइट? ठीक है, उसके बाद नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब होता है एक्चुअल बिहेवियर, कि आप कैसे बिहेव करते हो सोसाइटी में, राइट? वैल्यूज़ क्या है, कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है सोसाइटी में, राइट? ये सब चीज़ें हमें वैल्यूज सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. उसी के बेसिस पे हमारे नॉर्म्स डिसाइड हो जाते हैं, राइट? देन हमारे पास इंट्रैक्शंस हैं. ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जब एक कोई भी बॉर्न होता है, राइट, तभी से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अब सोशलाइजेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ही बच्चा इंट्रैक्ट करने लगता है, तो वो इंट्रैक्शंस तो हमेशा ही रहेंगी, राइट? अब वो इंट्रैक्शंस भी होंगी, वैल्यूज भी होंगे, नॉर्म्स भी होंगे और बिलीव्स भी होंगे. तो ये सब जहां पर होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर एक रेगुलेटेड और पैटर्न बिहेवियर रहेगा, राइट? अब उस बिहेवियर के कारण, ठीक है, जो वहां पर चीजें बनेंगी उसको बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? अब सोशल इंस्टीट्यूशंस की मैं जब भी बात करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली मैं किससे रिलेट कर रही हूं, रेगुलेटेड एंड पैटर्न बिहेवियर बिकॉज ऑफ बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंट्रैक्शंस, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की. देखिए, अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी हम चीज करेंगे आज के बाद, हम हमेशा डिस्कस करेंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, राइट? अभी हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, राइट? लेकिन अगर हम इधर से ये 2 पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे तो हमें आगे जाके काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो इसके अगेंस्ट हैं या इसके फेवर में हैं, राइट? तो आपको जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो बाकी के पर्सपेक्टिव काफी इजीली समझ में आ जाएंगे. तो देखिए, अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कहता है. सोशल इंस्टीट्यूशंस एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप. तो देखिए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, वो आपको नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं. और फंक्शनलिस्ट हमेशा समझते हैं कि कुछ ना कुछ नीड है सोसाइटी में जिसको पूरा करने के लिए कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? तो इसीलिए ये समझते हैं कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो हम 5 आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं. क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि वो कुछ फंक्शनल नीड पूरी कर रहे हैं, वो ऑर्डर लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में, ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं कि ऑल इंस्टीट्यूशंस विल ऑपरेट ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नाउ व्हाट इज डोमिनेंट सेक्शन, ठीक है, डोमिनेंट सेक्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं डोमिनेंट सेक्शन? भाई, जिसके पास पावर है आज सोसाइटी में, ठीक है, जिसने वेल्थ, जिसके पास बहुत अच्छा वेल्थ है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है,
ठीक है, आपको पता है कि पावर उसी के हाथ में आजकल, ठीक है, अब पावर उसके हाथ में तो वो कंट्रोल करेगा ही। तो इनका कहने का मतलब है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो, उधर हमेशा आपको डोमिनेंट सेक्शन देखने को मिलेगा और उन्हीं के इंटरेस्ट में काम हो रहा होगा, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमेशा जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं, ठीक है, उनकी बात करता है। नेक्स्ट, अब देखिए इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस आर एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बोल सकते हो। देखिए इंस्टीट्यूशंस आप अगर देखोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, जो आप आपकी फाइव कॉमन सेंसेस से नहीं आप ऑब्जर्व कर सकते, राइट, वो कुछ ऐसा है जो इन चीजों से अलग है, राइट, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उनको अपने फाइव सेंसेस से, तो वही एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जो कर सकते हो वो कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट वो कैसे करते हैं, जब उनका कोई हम इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म लेकर आते हैं, राइट, जैसे एजुकेशन हो गया या फैमिली हो गया, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन जब बोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास पैटर्न बिहेवियर, हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूशंस को आप देख लो, ठीक है, जितने भी हैं सब में पैटर्न बिहेवियर होता है, एक सेट ऑफ बिहेवियर है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये नीड्स पूरी कर रहा है। देन इंटर रिलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑब्वियसली सब इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, राइट, हायरार्की भी है। देन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैंस एक्टिविटीज, ऑब्वियसली ये एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करते हैं, राइट। सो ये सब क्या है, ये फीचर्स हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या चीज हैं और क्या क्या चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं, राइट। देन वी हैव नीड्स एज द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब इमोशनल नीड है, इमोशनल नीड आपकी कौन पूरी करेगा, आपकी फैमिली पूरी करेगी, राइट। तो फैमिली क्या है, आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इमोशनल नीड्स को पूरा करेगा, ठीक है। हो सकता है कि रिलीजन भी आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करता हो, राइट। देन इकोनॉमिक नीड्स, ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी इकोनॉमिक नीड्स पूरा करेगी, राइट। देन वी हैव फैमिलियल नीड्स, ऑब्वियसली फैमिली जो पूरा कर रही है। देन एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स, ऑब्वियसली आपकी ये सब नीड्स जो है ये रिलीजन के थ्रू भी पूरी हो रही है, रिलीजियस नीड्स भी हैं। तो मतलब ये कुछ नीड्स हैं जो सोसाइटी में अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करते हैं, और हर किसी के लिए जो नीड्स हैं, जैसे मेरी अगर इमोशनल नीड्स हैं, हो सकता है कि मुझे अगर रिलीजन से मेरी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हो और आपकी किसी और इंस्टीट्यूशन से हो रही हो, राइट। सो दीज आर द बेसिस कि कौन कौन सी नीड्स है जिसके बेसिस पे हमें इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, ओके। देन वी हैव काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब आप चेक करना कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। देखो फैमिली, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन एंड स्टेट, दीज आर द फाइव काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमें पढ़ना है, ठीक है, और जिनको हम थोड़ा थोड़ा आज डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया लगवाना है। फर्स्ट इज फैमिली मैरिज एंड किनशिप। सो फैमिली मैरिज एंड किनशिप क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कि आप एक फैमिली में एग्जिस्ट करते हो, फैमिली मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद मैरिज, मैरिज भी आजकल सबको पता है, ठीक है, कि मैरिज क्या होती है, लेकिन हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैरिज के फैक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉज पढ़ने होंगे, ठीक है, किस तरीके से जो सोशल लाइफ है वो चेंज होती है, ठीक है, जो सोशलाइजेशन है वो चेंज हो जाता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद किनशिप, किनशिप सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाईचारा या खानदान, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों से रिलेट करते हैं, अपने आप को जुड़ते हैं लोगों के साथ, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। सो नो अदर एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन फैमिली। ऑब्वियसली कोई और एंटिटी ऐसी है ही नहीं कि जो आपको इतनी ज्यादा नेचुरल लगे जितनी फैमिली है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि आप जैसे ही पैदा हुए आप एक फैमिली का पार्ट बन गए, राइट। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक नेचुरल चीज है कि आपके साथ आप पैदा हुए और आपको ये चीज मिल गई, राइट। सो फैमिली जो है कुछ फंक्शंस पूरे करती है, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग चीजें बताई हैं हमें कि फैमिली किस तरीके की नीड्स पूरी करता है, ठीक है। सो सबसे पहले कि जैसे फैमिली जो है वो इकोनॉमिक नीड्स पूरी करती है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोड्यूस भी करते हो, आप कंज्यूम भी करते हो, ठीक है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो फैमिलीज में होती है। देन पहले क्या होता था कि पहले तो फैमिली ही आपको एजुकेट करती थी, आज तो फिर भी आपके पास एक और चीज आ गई, जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ गए हैं, जैसे कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, राइट। फैमिली जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है कि आपको उसमें ही सब चीजें जानने को मिलती हैं, ठीक है। सो एजुकेशन में वो पढ़ाती भी है, ऑब्वियसली फैमिली का फिर भी कुछ ना कुछ रोल रहता है, राइट। आपको पता है कि एजुकेशन तो आपको किसी से भी प्रोवाइड
प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में आपको आइडियोलॉजी मिलती है, आपको स्टेट के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब ये सब जो आइडियोलॉजी है ये कहाँ से सेट होती है, ये बेसिकली ना आपकी फैमिली से स्टार्ट होती है। बहुत टाइम लगता है जब आप खुद के डिसीजन से पहुंचते हो कि क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज गलत, तब तक आपको फैमिली ही सोशलाइज करती है कि हमारे पास हमारी कंट्री में क्या है, कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता है, राइट। उसके बाद रिलीजन, ऑब्वियसली आपको फैमिली रिलीजन तो फर्स्ट डे से ही सिखा देती है, राइट। आपके रिचुअल्स जो हैं वो आप जैसे ही पैदा होते हो वैसे स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको सिखाते हैं कि किस तरीके से अगर हम मंदिर के आगे से क्रॉस भी कर रहे हैं तो हाथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिलीव्स हैं कुछ, ठीक है, जो रिलीजन आपको सिखाता है और ये रिलीजन में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फैमिली सिखाती है। तो इसी तरीके से जो फैमिली है वो एज ए इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, राइट। बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो फंक्शनल नीड्स तो हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सही कहता है कि कुछ तो फंक्शंस हैं फैमिली के, तभी वो एग्जिस्ट करती है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता होगा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट का क्या है कि फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बना करती है, मतलब, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी इज बेसिक नीड्स, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको किस तरीके से वो नीड्स को पूरा कर रही है। देन इट इज मेंटेनिंग अ सोशल ऑर्डर, राइट। फैमिली इज ऑलवेज मेंटेनिंग अ सोशल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर बनाकर रखती है, एक स्टेबिलिटी बनाकर रखती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि न्यूक्लियर फैमिली इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट, है ना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो इंडस्ट्री इकोनॉमी में काफी अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे वुमेन है तो वो डोमेस्टिक स्फेयर में काम कर पा रही हैं, मेन जो हैं वो बाहर के स्फेयर में काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों बाहर डील करते हैं। तो ये तो आपके एनसीईआरटी में काफी अच्छे से मिल जाएगा आपको। बहुत बार देखना आप कि कुकिंग का जहां पर पिक्चर दिया होगा, ठीक है, अगर आपको कोई पिक्चर गिवन है और उसमें कुकिंग हो रही है, ठीक है, तो वो कौन कर रहा होगा, वो फीमेल कर रही होगी, ठीक है। अगर किसी को बिजनेस में दिखाएंगे, किसी को बाहर इकोनॉमिक्स फेयर में दिखाएंगे या पॉलिटिकल में दिखा रहे हैं तो उसमें किसको दिखाएंगे, मेल को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सोशलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आप यहीं से सीखते हो। अब मुझे ये चीज आपको बतानी नहीं है कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमें ये नहीं पढ़ना है कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। हमें ये पढ़ना है कि कोई अगर किसी के लिए चीज सही है तो वो क्यों है, ठीक है, और किसी के लिए कोई चीज बुरी है तो वो क्यों है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका मतलब इन्होंने बोला कि वुमेन जो है वो आपकी इमोशनल रोल प्ले करती हैं, ठीक है, और जो मेन है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, बेसिकली अगर ये डोमेस्टिक स्फेयर और आउटसाइड स्फेयर में ऐसे इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पैट्रियार्कल वैल्यूज दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आप जो मैं बता रही थी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उसमें कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर सकते हो कि कैसे पैट्रियार्कल वैल्यूज जो हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लेकर आते हैं, ठीक है। अब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिलेट करता है, किससे रिलेट कर रहे हो आप, फैमिली से, ठीक है। देन वी हैव वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। बहुत तरीके के फैमिली फॉर्म्स होते हैं, ऑब्वियसली आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रह सकते हो, आप जॉइंट फैमिली के भी हो सकते हो, राइट। अब इन्होंने अलग डेटा दिया है जिसमें एएम शाह ने बताया कि किस तरीके से जब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी, ठीक है, तो आपके जो एजेड पीपल हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से उनकी हेल्थ जो है मेंटेन रहने लगी, तो जो फैमिलीज हैं वो जॉइंट की तरफ ज़्यादा मूव कर गई, जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा हो गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। आज लोग माइग्रेट कर रहे हैं वर्क की वजह से, और वो जो हमारा मूवमेंट है जो हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बन रही हैं। देन वी हैव टाइप्स, पैट्रिलोकल, मेट्रिलोकल, पैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इन इंडिया। सो मेट्रिलोकल क्या होता है, मेट्रिलोकल का मतलब है कि जहाँ पर आप वुमेन जो हैं, ठीक है, वो एक्सेस करती हैं हर चीज़ का, ठीक है, उनका डिसीजन पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उनके हाथ में पूरा डिसीजन पावर रहता है, ठीक है। और पेट्रीलोकल क्या होता है, पेट्रीलोकल का मतलब कि जहाँ पर आप जो मेल है उसके पास पूरा डिसीजन पावर है, दैट मीन्स पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेट्रीलोकल का मतलब है कि आप अगर शादी करने के बाद जो लड़का है वो लड़की के घर जाएगा, ठीक है। और मेट्रीलोकल में होता है कि सॉरी पेट्रियार्कल में होता है, पेट्रीलोकल में होता है कि लड़की शादी करने के बाद लड़के के घर जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे हमारे इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, लेकिन
फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस मिल जाएगा. जब आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखोगे तो वहां पे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है. जैसे खासी मेट्रिलिनी में हमने देखा था, है ना, जब हमने बात की कि किस तरीके से जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो फीमेल्स में नहीं मेल्स में भी है, ठीक है, उनके अंदर भी रोल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो हमने उसमें एग्जाम्पल दिया था खासी मेट्रिलिनी का. आप देखो, आप याद करो, ठीक है. आपको हमेशा पिछले चैप्टर्स को भी रिलेट करते रहना, ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर किया और वो खत्म हो गया, ठीक है. तो आप इस चीज को भी याद रखोगे. सो उसमें होता, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो मेल्स हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके पास रोल कन्फ्लिक्ट रहता है. तो ये चीज पेट्रियाकल स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया में ज्यादातर. आपको लेकिन एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास हुआ कि कुछ वेरिएशन है फैमिली फॉर्म्स में, किस तरह फैमिलीज काम कर रही हैं, राइट. सो इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फंक्शंस पर्सपेक्टिव और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अलग अलग बात करते हैं, किसके बारे में, फैमिली के बारे में. देन नेक्स्ट वी हैव फैमिली इज लिंक टू अदर स्फीयर्स. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं. अगर एक में चेंज आता है तो बाकी के इंस्टीट्यूशंस में अपने आप चेंजेस आते हैं, राइट. तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हमें जर्मन यूनिफिकेशन का, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्रोटेक्शन स्कीम्स थी या वेलफेयर स्कीम्स थी उनको विड्रॉ कर लिया. अब उनको विड्रॉ करने की वजह से वहां पे क्या चेंज देखा गया, देयर वॉज डिक्लाइन इन मैरिज सिस्टम, ठीक है. जो मैरिजेस थी वो डिक्लाइन कर गई. तो ये क्या हुआ, ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ. अब आपको ये पता करना है कि इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और अनइंटेंडेड क्या होता है. देखिए, इंटेंडेड का मतलब है कि जो आपकी इंटेंशन थी कि आपको ये चीज करने से आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट, तो वो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है. अनइंटेंडेड है कि आपकी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी लेकिन वो हो गया. अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर आपने केमिकल्स का यूज किया, आपने पेस्टिसाइड्स का यूज किया. किस लिए किया आपने यूज किया, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी थी. अब फार्मर्स जो थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोन लिया और उससे उन्होंने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदे और उन्होंने अपने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, राइट. लेकिन उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए, राइट. तो ये अनइंटेंडेड है, कुछ जो आपकी इंटेंशंस नहीं थी लेकिन वैसा हो गया, ठीक है. सो इन्होंने बोला कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, ठीक है. इसका क्या मतलब है, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस का मतलब है कि जो ब्रॉडर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक ब्रॉडर सिस्टम में आते हैं तो ये मैक्रो में आते हैं, ठीक है. माइक्रो में आता है इंडिविजुअल, जो माइक्रो लेवल इंट्रैक्शंस होते हैं, लाइक इंडिविजुअल इंट्रैक्शन जो है वो एक इस, या फिर इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो माइक्रो है, ठीक है. लेकिन जब एक ब्रॉडर लेवल पर है तो वो मैक्रो स्ट्रक्चर्स हैं. तो कहते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैक्रो में चला जाता है. अगर आप छोटी सी चीज चेंज करते हो, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो, ठीक है. उसके बाद वो बोलते हैं कि जेंडर एंड द फैमिली, ऑब्वियसली जो जेंडर है और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, या फिर स्ट्रैटिफिकेशन है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो फैमिली के सोशलाइजेशन से शुरू होता है, ठीक है. इसमें एक आपको दिया हुआ है तेलुगु का एक एग्जांपल दिया हुआ है. उन्होंने बोला हुआ है कि ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन अनदर्स कोर्टयार्ड. इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो जो डॉटर है, ठीक है, उसको शादी करके किसी दूसरे घर में चले जाना है, ठीक है, तो आप उसको ग्रो कर रहे हो या फिर आप उसको पढ़ा रहे हो, तो आप किसका फायदा कर रहे हो, जो जिस घर में वो आगे जाने वाली है, राइट. तो ये बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, राइट. तो आपको जब आप अपने आसपास देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे. तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप रिलेट कर पाते हो. उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मैरिज. अब फॉर्म्स ऑफ मैरिज में क्या क्या है, मोनोगैमी जहां पर एक हस्बैंड और एक वाइफ, राइट. पॉलीगैमी का मतलब है कि वन मोर देन वन, ठीक है, या तो एक औरत और बहुत सारे मेल, ठीक है, और या फिर वन मेल एंड मोर फीमेल, ठीक है. अब वो कैसे, जैसे पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब होता है कि आप एक मेल है, ठीक है, और वो काफी सारी अलग अलग लड़कियों से शादी कर ले, ठीक है, तो वो होता है पॉलीगैमी. अब ये आप मुस्लिम मैरिजेस में देख सकते हो, ठीक है. पॉलीएंड्री में इन्होंने एग्जाम्पल दिया द्रौपदी का, ठीक है, जिसमें उन्होंने काफी मतलब पांचों से शादी कर ली थी, राइट. तो पॉलीएंड्री में इन्होंने द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया जहां पे एक फीमेल है लेकिन मोर देन वन मेल है, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है. देन यू हैव रूल्स ऑफ एंडोगमी एंड एक्सोगमी, ठीक है. एक्सोगमी और एंडोगमी का मतलब क्या है, एंडोगमी का मतलब है कि मैरिज विद इन द कास्ट, ठीक है, एंड मैरिज आउटसाइड द कास्ट. तो ये भी आपको पता है कि कुछ ऐसी मैरिजेस भी होती हैं जो आउटसाइड कास्ट होती हैं.
ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो विद इन कास्ट ही होना जरूरी है, ठीक है, और जिसकी वजह से खाप पंचायत जैसी पंचायत भी बन जाती हैं, ठीक है, तो ये सब इश्यूज जो है आपको रिलेट करके पढ़ना है. ओके, देन यू हैव किनशिप सिस्टम, जिसके अंदर हम डिसेंट लीनियस सिस्टम की बात करेंगे. कुछ लोग जो है वो हमारे से ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जिनको कॉन्सेंग्विल बोलते हैं, एंड देन कुछ लोग जो है वो हमारे से मैरिज से रिलेट करते हैं, ठीक है, मैरिज के बाद हमसे जुड़ते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाइन्स, ठीक है. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो हमारा फैमिली मैरिज एंड किनशिप सिस्टम यहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट होता है. देन वी हैव पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स के अंदर आपको दो चीजों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, दैट इज पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है. अब पावर का ही मतलब क्या है? पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स, ठीक है. आपने किसी के आपके पास जो पावर है, ठीक है, वो चाहे लेजिटिमेट हो चाहे नहीं हो, ठीक है, आपको किसी दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना है तो आप कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस कोअर्शन, ठीक है, COERCION, कोअर्शन, ठीक है. अब अगर आपके पास पावर है और वो लेजिटिमेट है, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, ठीक है, कि आप एक अथॉरिटी, आपके पास एक अथॉरिटी है, ठीक है. अगर आप आगे जाकर IAS बनते हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक अथॉरिटी है, क्योंकि उधर जितने भी आपके पास पावर होंगी वो लेजिटिमेट होंगी, राइट. तो हमेशा अथॉरिटी जो होती है वो राइट होती है, वो जस्ट होती है, ठीक है. तो अथॉरिटी और पावर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. अच्छा, अर्लियर स्टेटलेस सोसाइटीज वर देयर, ठीक है, पहले क्या होता था, स्टेटलेस सोसाइटीज होती थी. तो अब ये बोलते हैं कि जब पावर नहीं था सोसाइटी में, जब अथॉरिटी नहीं होती थी, ठीक है, तो तब कैसे लोग काम चलाते थे? आज तो हमारे पास अथॉरिटी, गवर्नमेंट है, ठीक है, एक अथॉरिटी है जो हमें सुपरवाइज कर रही है. लेकिन पहले क्या होता था? पहले अलायंसेस, किनशिप सिस्टम, मैरिज, रेजिडेंस, जो अपोजिशनल में होते थे ना, वो ही सब मिलकर अपना एक सिस्टम बनाकर रखते थे. तो ये आपको आगे जाके जब हम इंस्टीट्यूशंस अच्छे से पढ़ेंगे तब और पता चलेगा, ठीक है. तो पावर कोअर्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर पावर लेजिटिमेट है, ठीक है, तो आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है. तो अथॉरिटी होने के लिए आपके पास एक पोजीशन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट ऑफ स्टेट. अब स्टेट क्या है, ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो लीगल सिस्टम है, ठीक है. अब ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि जो स्टेट है ऑब्वियसली वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम में से हर कोई तो नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सकते, राइट. अगर हम पीएम से मिलना चाहते तो हम हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए हम अब हर कोई पहुंच नहीं सकता, इसीलिए हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है. तो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए हुए हैं. तो स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस. तो स्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट. तो फंक्शंस बात करते हैं कि इसी तरीके से जो स्टेट है वो काफी फंक्शनल है, ठीक है. कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बात करते हैं कि नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट सेक्शन, कि भाई अगर सरकार भी चल रही है ना, अगर आपको कोई रिप्रेजेंट भी कर रहा है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंट सेक्शन को, ठीक है. सिर्फ उनके काम ही हो पाते हैं, राइट. तो कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद सिटीजनशिप राइट्स, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि किस तरीके से सिविल राइट्स आए, देन पॉलिटिकल राइट्स आए, देन सोशल राइट्स आए, ठीक है, ये आप थोड़ा पढ़ सकते हो. उसके बाद थोड़ा सा गिवन है कि नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म के बारे में बात की उन्होंने, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, ठीक है. आप अगर इंडियन हो, क्या हो, इंडियन क्या है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, कि अगर हम लोग इंडियन है तो हम अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नेशनलिज्म. सो बेसिकली पॉलिटिक्स में ये जानना जरूरी था कि किस तरीके से फंक्शंस बात करते हैं और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं, राइट. और दूसरी चीज पावर और अथॉरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम इलीट थ्योरी पढ़ेंगे CW मिल्स की, और बहुत सारी चीजें जो पॉलिटिक्स में हम कवर करेंगे. देन वी हैव वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ. अब देखो, वर्क का मतलब क्या दिया हुआ कि रेफर्स टू पेड एम्प्लॉयमेंट, है ना. अब बहुत सारा जो इकोनॉमी सिस्टम है आपका वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सचेंज सिस्टम पर, राइट. एक्सचेंज आप कैसे भी कर सकते हो, आप कैश सर्विसेज दे सकते हो, आपने चीज ली और कैश दे दिया, ठीक है, या फिर गुड्स और सर्विसेज में हो सकता है, जैसे बार्टर सिस्टम में हुआ करता था, राइट. आपने आपको किसी एक चीज की जरूरत है और आपके पास दूसरी चीज है, ठीक है, तो आप वो दूसरी चीज दे दोगे और फर्स्ट चीज ले लोगे, ठीक है. तो आप एक्सचेंज करते रहोगे एक दूसरे के साथ, वो चीज थी, ठीक है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हो गया है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है. आज हमने स्पेशलाइज कर दिया डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, शिफ्ट हो गया, मतलब वर्क जो है वो शिफ्ट हो गया. अब पहले क्या हुआ करता था कि पूरी फैमिली एज अ इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आज सिर्फ हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं एज अ फैमिली, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया सब चीजें, तो स्पेशलाइज हो गया. तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आए जिनकी हम बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ
इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम इंटरडिपेंडेंट हो गए कि बहुत आपको भी अगर कुछ चाहिए, ठीक है, अगर आप आज पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी गुड लेते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपने प्रोड्यूस किया है और वही आप कंज्यूम कर रहे हो, आप मार्केट से परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये वर्क में आती है। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क की उन्होंने बात की है, ठीक है, किस तरीके से आज मास मार्केट्स है हमारे पास, ठीक है, और असेंबली लाइन का, जब असेंबली लाइन प्रोड्यूस हुई तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में आज क्या चेंजेस है कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हो गया है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो 1991 में एलपीजी के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद हम बहुत सारे चेंजेस देखेंगे कि वर्क सिस्टम कैसे चेंज हो गया। तो इकॉनमी में काफी चेंजेस आ रहे हैं। अब इकॉनमी में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड है सब इंस्टीट्यूशन, तो सभी में चेंजेस आएंगे, तो इसीलिए जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो रहा है। तो ये सब हम इकॉनमी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हमें कार्ल मार्क्स पढ़ना होगा, राइट। तो आगे देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है रिलीजन। अब रिलीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए रिलीजन आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी है, आपकी इकोनॉमिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। हमें सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। रिलीजन को हम कंपैरेटिव मेथड से भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम देखेंगे कि आगे दर खाइम कैसे रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है। सेट, अब रिलीजन होता क्या है, दिस इज सेट ऑफ सिंबल्स इनवोकिंग फीलिंग्स ऑफ रेवरेंस और ओ, ठीक है, किस तरीके से, मतलब इसमें सिंबल्स हैं, इसमें रिचुअल्स हैं, इसमें सेरेमनीज हैं, ठीक है, कुछ बिलीव सिस्टम है, राइट। आपको अगर आप देखो तो रिचुअल्स आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे पास ईटिंग के रिचुअल्स हैं, प्रेइंग के रिचुअल्स हैं, अलग अलग हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वरी भी करते हैं, राइट। ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और आज हमें रिलीजन का इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म किसमें मिलता है, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, चर्चेज जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म है कि आज रिलीजन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। देन दर्खाइम ने हमें एक्सप्लेन किया कि सेक्रेट क्या होता है और प्रोफेन क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि सेक्रेट और प्रोफेन को कैसे उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। हाउ इकोनॉमी इज द बेस एंड रिलीजन इज द सुपर स्ट्रक्चर, ये एक्सप्लेन किया कार्ल मार्क्स ने कि भाई इकोनॉमी तो बेस है, उस पर सारे और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर मैक्स वेबर ने क्या बोला कि नहीं, रिलीजन जो बेस है और उसके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। अब ये हम मैक्स वेबर के बहुत फेमस वर्क में पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी एनसीईआरटी में जस्ट आपको हिंट दिया हुआ, अब आपको ये याद रखना है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसका वर्क है, मैक्स वेबर का, ठीक है। तो आपको यहां से ऐसे बेसिक चीजें पता चल रही हैं। देन वी हैव एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या था कि पहले जो फैमिलीज थी वही आपको एजुकेट कर रही थी, आज आपके पास स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब है, ठीक है। अब आपके पास क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन हो गया भाई, क्योंकि फैमिलीज आपको स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन के बारे में सिखाते थे, जो पहले आपके पास फैमिली का जो ऑक्यूपेशन होता था वही आप सीख जाते थे, राइट, उसी की एजुकेशन लेते थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव हो गया, ठीक है। आज जो बच्चा है वो काफी अच्छे से सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, राइट। तो पहले की फैमिलीज जो होती थी, पहले जो फैमिलीज थी जो एजुकेशन दे रही थी, वो पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू सिखाती थी कि हमारे फैमिली में क्या होता है, हमें कैसे करना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर होते थे काफी, वो अपनी चीजें सिखाते थे, ठीक है, अपनी ही कास्ट सिस्टम के बारे में बताते थे, अपना ही क्लान सिस्टम, अपनी चीजें बताते थे, मतलब, ठीक है। लेकिन आज जो है, ठीक है, वो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज मिलती हैं बच्चों को। अब वो कैसे मिलती हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी आप किस किस जगह से सोशलाइज होते हो, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर गया। तो सोशलाइजेशन बेसिकली एजुकेशन ही है कि आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है सोसाइटी में, वो हर चीज सिखाई जाती है। अब आप सोशियोलॉजी में ही देख लो, हम आपको कितने सारे पर्सपेक्टिव सिखाएंगे, ठीक है। आपको एक पर्सपेक्टिव तो नहीं सीखने को मिल रहा, दैट मींस हम यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज सीख रहे हैं, ठीक है। तो दर्खाइम बात करेगा कलेक्टिव कंसाइंस की, कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो कलेक्टिव कंसाइंस लेके आता है, एक कॉमन बेस लेकर आता है। तो फंक्शन हमें यही सिखाते हैं कि हम सोशलाइज होते हैं, हम लर्न करते हैं एजुकेशन से। कॉन्फ्लिक्ट सिखाते हैं कि नहीं, आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जहां से इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से। आप भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस हो रही है एजुकेशन की वजह से, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। एंड देन है हाउ जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंपिंज अपॉन द चांसेस ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली जेंडर बहुत बड़ा फैक्टर है, मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजने का डिफरेंस, देन उनको कॉलेज भेजने का डिफरेंस, देन उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
ठीक है, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन देखोगे तब भी आपको ये डिफरेंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये जेंडर से रिलेट करती हैं, एजुकेशन और जेंडर भी बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी काफ़ी मैटर करता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो यही तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बात कर रहा है ना, तो आपको वो चीज़ इससे रिलेट करनी है, ठीक है। तो आप हर चीज़ में देखा करोगे किस तरीके से जो जेंडर है वो रिलेट हो रहा है, ठीक है, या फिर इनइक्वालिटीज़ रिलेट हो रही हैं, कितना फंक्शनल है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जब देखोगे तो आपको पर्सपेक्टिव समझ में आने लगेंगे। एंड अब है आपके पास लास्ट चीज, वो है रीडिंग्स, ठीक है, जो अब आपको बिब्लियोग्राफी गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, मैंने डायरेक्टली वहां से उठा लिया ये। तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं बता देती हूँ कि अब देखो ये थिंकर्स के नेम है, ठीक है, देन इनकी ये जो स्पेशलाइज वर्क है ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही सब चीजों को समझना है, जैसे आप बिल्कुल बेसिक अगर आप स्टार्ट करो दर्खाइम का देखो, ठीक है, दर्खाइम ने कैसे बोला है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। अब एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया, तो इससे आपको याद रहेगा, राइट। तो इसको आप कभी निग्लेक्ट मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसी से आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, यहाँ पे मिशेल है, ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे अभिजीत पाठक की बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये काफी मैटर करती हैं और आप इसको यूज कर सकते हो, जब भी आप अपने आंसर्स लिखोगे ना तब आप ये काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इनको कभी आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, और मैं तो बोलूंगी इन पर अलग से नोट्स बनाया करो कि किसने कहां से वर्क लिया। अच्छा, दर्खाइम ने एजुकेशन के बारे में बात की है, लेकिन वो कहां से किया, वो इधर से किया, 1956 एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, डू रिव्यू एंड प्लीज शेयर दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।